रोल हाँ पूछिए सर, क्या कहना चाहेंगे आज टॉर्चर फिल्म का मुहूर्त है यहाँ पे? सबसे पहले तो आज नवरात्रि का पहला दिन है जी सर, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और इतने खूबसूरत दिन में जी सर आज मुहूर्त हुआ है, पंचम स्टूडियो में वॉइस लिया गया है और फिल्म का नाम है टॉर्चर जी सर, और इस फिल्म के जो बैनर का नाम है देव की शुभ्रा फिल्म्स प्रस्तुत टॉर्चर। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है राम यादव और डायरेक्टर हैं हमारे मोहन सिंह आगा। फिल्म का गाना आज मुहूर्त हुआ, सोलो गाना था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। मैं शुभकामनाएं देता हूं, गाना कमाल है तो हर चीज कमाल होगा। और इस फिल्म के जो गीतकार हैं वो हमारे सक्सेना जी हैं, सतीश सक्सेना और संगीतकार हमारे अनुज तिवारी जी हैं। बड़ा ही गुणी हैं, बड़ा ही खूबसूरत लिखे हैं। ने रिकॉर्डिंग किया इस आज फर्स्ट सॉन्ग का रिकॉर्डिंग किया इस फिल्म टॉर्चर की, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देवकी शुभ्रा फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत फिल्म टॉर्चर, जिसके प्रोड्यूसर हैं राम यादव जी और इसके डायरेक्टर हैं हमारे मोहन सिंह आगा जी और संगीतकार अनुज तिवारी जी। इस गीत को लिखे हैं सक्सेना जी, सतीश सक्सेना जी। फिल्म का मुहूर्त हुआ है, नवरात्रि के दिन पहला गाना आज हुआ है पंचम स्टूडियो में और सोलो गाना उन्होंने मुझसे गवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये फिल्म का जो जैसा टॉर्चर नाम अच्छा है उतना ही सुंदर गाना भी हुआ है और फिल्म भी कमाल बनेगी और धमाल करेगी, म्यूजिकल हिट होगी। हमारी शुभकामनाएं आप पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, थैंक यू। जिस भी फिल्म का सर गाना आपने गाया है मैंने देखा है, उस फिल्म हिट हुई है, ये भी फिल्म के गाने आपने गाए हैं सर? देखिए ये आप लोगों का प्यार है, सब करने वाला तो ऊपर वाला है, अपने तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अच्छा करने की, तो आज देवी का दिन है तो उनका आशीर्वाद तो लगेगा ही हम सबको। अच्छा अनुज जी जी, आज हमारे पद्मश्री सिंगर उदित नारायण जी, पद्म भूषण उदित नारायण जी आज हमारे बीच में है और आज बहुत ही रोमांटिक मूड में उन्होंने गाया है, तो इसके बारे में कैसे म्यूजिक आपने कंपोज किया और कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में, उदित साहब के बारे में? मैं तो बचपन से सर का फैन रहा हूँ बचपन से, और आज जो गाना भी मैं सर के मूड का ही बनाया था, और सर तबीयत अच्छा नहीं होना मतलब नहीं था, फिर भी इतना बढ़िया गाए सर, नहीं सर्दी जुकाम थी, बहुत अच्छा गाए और बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत खुशी हुई सर। आज उनकी कृपा हो गई, चौथा सॉन्ग है मेरे साथ इस फिल्म में, आगा जी मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा। आगा जी तो कमाल है, और आगा जी क्या आप ऐसा महसूस किए, मैं कैसा महसूस कर रहे हैं उदित नारायण जी के बीच में, और आप तो इनके बहुत बड़े फैन हैं और पूरी दुनिया इनकी फैन है, तो कुछ बताएंगे सर? बस मुझे सर ने गाना गाया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो हो सकता है मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाए। आज तक जितने डायरेक्टर के लिए गाया सब निकल गए, मगर शायद हो सकता है मेरा भी कुछ हो जाए। बस मैं उसी आशीर्वाद लेने के लिए लगा हूँ 2-4 साल से, अभी इस बार ये गाना गवाया, देखो क्या होता है। राम जी यादव कैसा फील कर रहे हैं आप, प्रोड्यूसर हैं इस पिक्चर के? जी मैं पहले भी डायरेक्टर MS आगा जी के साथ एक मूवी कर चुका हूँ कॉल ऑफ लाइफ, और ये नेक्स्ट मूवी है हमारी, और आज हमारे सिंगर उदित जी हैं साथ में, तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारी फिल्म कुछ आगे बहुत जा सकती है।
जैसा कि जिस फिल्म के लिए उदित जी ने गाना गाया वो फिल्म हिट सुपर हिट रही है, तो कितनी खुशी मिलती है इतने बड़े सिंगर जिनको पूरी दुनिया जानती है सिर्फ हिंदुस्तान में। मैं बहुत खुश हूँ आज पहला गाना जो हमारे लिए गाया है सर ने, और बहुत खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी मूवी हिट हो जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। चलिए फोटो हो जाए सर, नवरात्रि की शुभकामना कुछ दे दिए दर्शकों को, देशवासियों को। जी जी, मैं उदित नारायण जी से पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार भाइयों, आज नवरात्रि का शुभ दिन है, पहला दिन है, और आज हमारी फिल्म टॉर्चर का सॉन्ग रिकॉर्डिंग है जिसमें उदित नारायण जी अपनी बुलंद आवाज से गा रहे हैं, जो पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। इसका म्यूजिक दिया है अनुज तिवारी जी ने। ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म है और एक पारिवारिक है, और आज के दौर में जो यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये फिल्म है। हमारे राम जी यादव इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जो हमारे डायरेक्टर हैं मोहन सिंह आगा, इससे पहले भी कई फिल्में उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने भी कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, और मैं ये चाहता हूँ, और इस फिल्म में मैंने डायलॉग से सजाया है पिक्चर को, इसका मैं डायलॉग राइटर हूँ। मेरा नाम विजय तस्वीर है, मैं एक ज़माने में फैशन फोटोग्राफर था और काफ़ी फिल्में मैंने की हैं, और अब उस चीज़ों से हट के मैं फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग और आगे जाके कुछ और भी सोचा है मैंने, वो क्या करूँगा मैं, बस ये है कि सब मुझे मिल गया। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, और नवरात्रि का भी सभी प्रेस मीडिया को मेरा धन्यवाद है, और मीडिया जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज ये सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग, उदित जी आए हैं, कितनी खुशी हो रही है सर। उदित जी तो एक बहुत बड़ी हस्ती है बॉलीवुड की, जिन्होंने घर से निकल के कई फिल्मों के गाने उन्होंने गाए हैं, और उनकी आवाज़ आज भी उसी रेशमी आवाज़ में है, और आज जो वो गाना गाते हैं तो सभी लोग उस गाने को सुनते हैं, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का डिमांड था कि ये गाना उदित नारायण जी ही गा सकते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज मुहूर्त भी है, और यहाँ से हम अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। इस मंथ के एंड में, नेक्स्ट मंथ में हम उत्तराखंड में जाएंगे, जिसकी शूटिंग मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में भी होगी, और इस फिल्म का इंतजार करिए, और एक बहुत ज़बरदस्त मूड बन रही फिल्म है, और एक अच्छा मैसेज है सभी लोगों के लिए। नवरात्रि की क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं ये है कि माँ शक्ति है, सनातन धर्म में सबसे बड़ी शक्ति माँ को माना गया, उसमें से सब ईश्वर की उत्पत्ति है, और जो माँ है वो माँ से बढ़कर कोई दर्जा नहीं है। तो हमारा दिल ने, सब लोगों ने, हमारे लोगों ने चाहा कि आज हम इस दिन मुहूर्त भी कर दें, और शुभ दिन भी है, और लॉकडाउन से बाहर निकले। लॉकडाउन में काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे, परेशान थे, मीडिया हमारी रुक सी गई थी, स्टिल सो गई थी, अगर हम मीडिया के लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स हुआ था, आज भी वो बेचारे प्रॉब्लम्स में हैं, अब ये टॉकीज खुल रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उद्धव जी से, सभी लोग से मैं बोलता हूँ कि जो आप लोगों ने काम किया है बहुत अच्छा है, मॉल को खोल दिया है, टॉकीज खोल दिया है, और सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज से धार्मिक स्थल भी खोले गए हैं, आज से आज धार्मिक स्थल भी खुल गया, मुंबा देवी है, माँ लक्ष्मी मंदिर है, और हाजी अली, बहुत सी चीज़ें हैं, तो लोग आके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो मैसेज आ रहा है, ये वर्ल्ड में था कोरोना, मगर क्या फिर भी हमने इतनी बड़ी आबादी है दुनिया की, समझ लो आधी दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, और इसमें कई कल्चर के लोग हैं, उसके बाद भी आज हमने इसको रिकवरी कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो हमारे खाली यूपी के बराबर है, और आप समझ लीजिए हम कितना बड़ा देश है हमारा, और हमने इसको कैसे कैप्चर किया है, और सरकार को, और हम स्टेट्स गवर्नमेंट को, सभी लोग को हम धन्यवाद देते हैं, और यहाँ की पब्लिक को बोलना चाहते हैं कि उसमें सहयोग लिया, हमारा साफ सफाई रखा, लॉकडाउन का उन्होंने यूज़ किया, उसको दूर रेड लॉन्ग डिस्टेंस कर लिया, आज वो हमारे सामने आ रहा है, तो हमारे यहाँ इसकी 2-3% हमारा है, और हम तीसरा जो लॉकडाउन है वो हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भगवान खुदा से, कि ये अब नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है विजय जी के, 22 तारीख से, 22 अक्टूबर से सिनेमा घर भी खुल रहा है, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कितनी खुशी हो रही है,
खुशी क्या है, सारे आर्टिस्टों में ऐसे लग रहा है कि हैप्पी दिवाली है और है तो हैप्पी नवरात्रि है, तो सभी खुश है और ऐसा लग रहा है कि लोग जो पक्षी कैद थे वो आज खुले से उड़ रहे हैं, जिसने बॉलीवुड एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके लिए गवर्नमेंट भी सोचती, सब सोचते हैं, मगर देखो अभी क्या होता है, मगर सब लोग खुश हैं और ये लॉकडाउन नहीं होगा। थैंक यू सर। आपसे एक सवाल है, ये फिल्म का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? सर ये ख्याल तो मेरे बहुत समय से है दिल में, आज मेरे लिए इंडस्ट्री में करीबन 15 साल हो गए। हमने एक फिल्म बनाई थी सन 2016 में, कॉल ऑफ लाइफ। इसके बाद ये शूटिंग उत्तराखंड, काशीपुर, नैनीताल, देहरादून, बॉम्बे, 4-5 जगह किया था और अभी ये नेक्स्ट मूवी कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर एमएस सागा मोहन सिंह और प्रोड्यूसर राम यादव और म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे हैं वो हैं अनुज जी और सिंगर उदित नारायण जी हैं। तो नवरात्रि में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी नवरात्रि में हमने एक शुभ दिन माता का है जिसके लिए हमने मुहूर्त रखा है और यहीं से हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो इस फिल्म का नाम क्या रखा सर आपने? इस फिल्म का नाम है टॉर्चर। टॉर्चर इस फिल्म का नाम है। तो इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ करेंगे आप? इसकी शूटिंग हम उत्तराखंड, बॉम्बे, नैनीताल, देहरादून और बागेश्वरी डिस्ट्रिक्ट के 4-5 जगह। फिल्म स्टार कास्ट कौन कौन है? फिल्म स्टार कास्ट है दीपक सिरके जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, उपासना सिंह जी और बाकी न्यू आर्टिस्ट हैं। आज इस फिल्म का मुहूर्त भी है और आज पहला सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सॉन्ग रिकॉर्डिंग इसके बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फिल्म का जो सॉन्ग है बहुत अच्छी तरीका से लोग इसको देखें और प्रेजेंट हो, और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग मेरा बहुत अच्छा है और बहुत लोग इसको लाइक करें। तो ये कहानी किस बात पे आधारित है? ये कहानी बोलिए बोलिए ये कहानी किस बात पे आधारित है? कहानी के बारे में नहीं अभी नहीं बता सकते। अच्छा बढ़िया। अच्छा आप बोलिए। एक सेकंड, सारे कैमरों की तरफ देख लें, एक ही कैमरे को मत देखना। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कन्निका कौशिक है, मैं पानीपत हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी फिल्म का नाम है टॉर्चर, डायरेक्टर का नाम है मोहन सिंह आगा, प्रोड्यूसर नेम है राम जी यादव, म्यूजिक डायरेक्टर है अनुज तिवारी और ये सिंगर है हमारे उदित नारायण जी। मुझे इस फिल्म में मेन रोल का बचपन है तो मुझे पाकर बहुत खुशी हुई। इस फिल्म में टॉर्चर फिल्म में मुझे आकर बहुत खुशी, मुझे मेन लीड रोल बचपन दिया तो मुझे पाकर बहुत खुशी हुई। ये फिल्म किस तरह की है, पारिवारिक है, किस तरह की फिल्म रहेगी? ये फिल्म उत्तराखंड के ऊपर है। अच्छा। हमारे जो उत्तराखंड है जी जी ऊपर है, ये दो भाइयों की कहानी के ऊपर है। ओके। जो स्टार्टिंग में एक भाई प्रॉपर्टी चक्कर में एक्सपायर कर देता है, इस प्रकार की इसकी स्टोरी है। थैंक यू। चलिए थैंक यू। इंट्रो दिया और फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म का नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ और इस फिल्म का नाम है टॉर्चर और ये फिल्म दो भाइयों की बीच की कहानी है और इस मूवी की शूटिंग उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी, मुंबई जैसे शहरों में होगी। और आज मेरी फिल्म का उद्घाटन मुहूर्त भी है और ये नवरात्रि का पहला दिन है और सबसे निवेदन है कि फिल्म मेरी अच्छी जाए।
आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया है। उदित जी आए हुए, कितनी खुशी हो रही है। जी जी, आज उदित जी आए हमारे साथ, आज मेरा फर्स्ट गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। और मुझे खुशी भी है, और मैं सबसे चाहता हूँ कि आप सब कोई खुशी से मेरा वीडियो को देखो और अच्छे से लाइक करो। नवरात्रि की क्या क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नवरात्रि को तो हमारी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं, और सबके परिवार से मेरे लिए भी नवरात्रि का शुभकामनाएं। यही मैं खुशी आप नवरात्रि में चाहता हूँ। थैंक यू।